धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती हैं और जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से, कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है, भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बजट थी संसद में। इस बार इस बजट में हवाई अड्डे, बंदरगाह, LIC, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम सब बिक रहे हैं। ऐसा मानिए कि भाजपा सरकार ने बेचने की ऐसी भांग डाली है कि कल को कुछ नहीं पता। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, इसी को ना बेचने की कोशिश करें। इनके शासन काल में डीजल पेट्रोल पर टैक्स से केंद्र ने 21,50,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। अपने खरबपति मित्रों का 8,00,000 करोड़ कर्जा माफ किया है, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। अपने मित्रों के लाखों करोड़ कर्जे माफ हो गए हैं, आपका एक भी रुपया माफ नहीं हुआ। फसल बीमा के नाम पर आपसे खरबपति मित्रों ने, उनके खरबपति मित्रों ने 26,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, 26,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, और आप इस तरह भटक रहे हैं सड़कों पे, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों से कौन सी दुश्मनी है। समझ में नहीं आता कि जब आपने ही उनको प्रधानमंत्री बनाया, जब आपके वोटों के बल पर उन्हें सत्ता मिली, तब आपको इस तरह से वो क्यों ठुकरा रहे हैं, आपको बर्बाद क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपकी समस्याओं को सुनने के बजाय, आपके दुख दर्द को बांटने के बजाय, उन्होंने भरे संसद में खड़े होकर आपका अपमान किया है, आपकी बेइज्जती की है। आप खुददार लोग हैं, मैं जानती हूं। आपको इन्होंने आंदोलनजीवी, परिजीवी कहा, इनके मंत्रियों ने तरह तरह के नाम बुलाए, आपको देशद्रोही बोला, आपको आतंकवादी बोला। जब मेरे भाई राहुल गांधी ने संसद में 215 शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन मांगा, तो सारा विपक्ष खड़ा हुआ, एक एक सांसद खड़ा हुआ, लेकिन इस सरकार का एक सांसद खड़ा नहीं हुआ, अपनी जगह बैठा रहा। यही आदर है आपके लिए, इतना आदर करते हैं आपका कि 2 मिनट के मौन के लिए भी आपके लिए खड़े नहीं हो पाए। रोज इनके नेता मीडिया पर आकर आपके बारे में अपशब्द कहते हैं, लेकिन भाइयों और बहनों, दुनिया का हजारों साल पुराना इतिहास कहता है, उसने बार बार दिखाया है कि जनता जनार्दन है। जनता अहंकारी सरकार को हमेशा सबक सिखाती है। आज वो समय आ गया है कि सच्चाई आपके सामने है। जो भी आपको चुनाव के समय कहते हैं, जितने वादे आपको किए हैं, वे सारे झूठ निकले। सच्चाई आपके सामने है, और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ अहंकारी प्रधानमंत्री नहीं है, ये कायर प्रधानमंत्री भी हैं। क्यों
क्योंकि जैसे ही इनकी नीतियों पर और इनके निर्णयों पर सवाल उठता है, एकदम पीछे हटते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते, एकदम पीछे हटकर किसको दोषी ठहराते हैं? पिछली सरकारों को। ये कायरता है इनकी, निर्णय लिया है, जिम्मेदारी लो। जनता को निर्णय पसंद नहीं है, जिम्मेदारी लो और निर्णय को बदलो, जनता की बात को स्वीकार करो। ये हिम्मत नहीं है इनमें, इनमें अहंकार है और पूरी तरह से कायर हैं। जब पेट्रोल डीजल के महंगे दाम इन्होंने दाम बढ़ाए तो भी इन्होंने कांग्रेस को दोषी ठहराया, कहा कि हमें इसलिए बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले नहीं बढ़ाए। ये कौन सी बात हुई? मैं उनसे कहना चाहती हूं, शुक्र करिए कि पिछली सरकारों ने कुछ बनाया, आपने तो कुछ बनाया नहीं है। शुक्र करिए कि कुछ बनाया, वरना आप बेचते क्या? पूरे देश को बेच डाला, बड़े बड़े उद्योग बेच डाले। किसने बनाए थे वो उद्योग? किसके लिए बने थे वो उद्योग? जनता ने बनाए थे, वो जनता के उद्योग थे और आपने उनको बेच डाला। मैं पूछना चाहती हूं कि नोटबंदी, जीएसटी, उसके सिवाय आपकी सरकार ने क्या बनाया? उद्योगपतियों की कमर, छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ने वाले कानून किसने बनाए? लॉकडाउन के समय जब लाखों लोग तंग होकर, परेशान होकर अपने गांव के लिए पैदल चले, तो आपकी सरकार ने कौन सी सुविधा बनाई उनके लिए? कौन सा साधन दिया उन्हें कि वो घर पहुंच सकते थे? क्या बनाया है आपने? शायद मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि बहुत निष्ठा से, बहुत समर्पण से आपने अपने खरबपति मित्रों को खूब मजबूत बनाया है। लेकिन ये देश देख रहा है, ये सब कुछ बेच देने वाली सरकार को ये देश देख रहा है। और आज इस देश की आवाज इसके खिलाफ उठ रही है। किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, जी जान से लड़ रहा है। खेती के काले कानून जब तक रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक लड़ते रहेगा। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि जब तक आप लड़ते रहोगे तब तक मैं लड़ती रहूंगी, जब तक आप लड़ते रहोगे तब तक कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके संघर्ष में शामिल होगी, आपके हर दुख में शामिल होगी, आपके हर दर्द में शामिल होगी। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, इन कानूनों को सबसे पहले रद्द किया जाएगा।